अच्छी दे दो आप। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि मंच पर या पंडाल में सभी बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले बैठे हैं, और वो विचारधारा कैसी हो, क्योंकि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जो नागपुर की धरती है वो बाबा साहब की दीक्षा भूमि की धरती है, और उसी धरती से चलकर हमारे बीच में आदरणीय भिक्खुनी विजय मैत्री जी आई हैं। वैसे तो उनके बारे में बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सम्मान में जितना भी कहा जाए काफ़ी कम होगा, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली थी, क्योंकि उनको देख करके ही लगता है कि अगर भिक्खुनी हो तो ऐसी हो, उनके बोलने के तरीके से, उनके चलने के तरीके से। और अगर विद्वता की बात हम करते हैं तो भिक्खुनी विजया मैत्री जी काफ़ी विद्वान हैं, साहित्यकार भी हैं। उन्होंने अंबेडकर विचारधारा में एमए किया है, बीए किया है, और आगे भी उनकी पढ़ाई जारी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम भिक्खु या भिक्खुनी बन जाते हैं तो उसके बाद में हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो शिक्षा है, वो बंद नहीं होनी चाहिए, हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। इसीलिए भिक्खुनी विजया मैत्री जी बहुत ही विद्वान हैं, और जो साहित्य की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो उन्होंने 5-6 किताबें लिखी हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उन किताबों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें से एक जो पुस्तक है भिक्खुनी संघ का इतिहास, जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, जब मैं नागपुर गई थी तो वहाँ से वो पुस्तक मेरे को मिली।